नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि जाति भगवान ने नहीं बनाई है, जाति पंडितों ने बनाई है, जो गलत है। भगवान के लिए हम सभी एक हैं। हमारे समाज को बांट कर पहले देश में आक्रमण हुए, फिर बाहर से आए लोगों ने इसका फायदा उठाया। भागवत रविवार को मुंबई में संत रोहिदास जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम में ये बातें बोल रहे थे। हमारे संवाददाता गौरव हमसे जुड़ेंगे। गौरव, आरएसएस प्रमुख ने जो जाति को लेकर बयान दिया है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत समय समय पर तमाम तरह के बयानों के चलते चर्चा में बने रहते हैं। कभी वो दिल्ली जाकर सोएब इलियासी से मुलाकात करते हैं, तो कभी मुसलमानों को ना डरने की हिदायत भी देते हैं। तो अभी यहाँ पर इस तरह से उन्होंने बयान दिया है कि सत्य ही ईश्वर है और ये अनुभूति करना जरूरी है और जाति धर्म में ना फंसकर शिष्टा साबित नहीं करनी है। और कहीं ना कहीं ये जो भ्रम है, ये हमारे समाज को गलत दिशा में लेके जा रहा है, जिसको लेकर लगातार यह चर्चा ये हो रही है। मोहन भागवत ने यहाँ पर ब्राह्मण समाज पर बयान दिया, क्योंकि वो खुद एक ब्राह्मण है। उसके बावजूद लगातार चर्चाओं का बाजार इस समय गर्म हो चुका है और कहा यही जा रहा है कि उन्होंने पंडितों को लेकर कहा है कि जो जाति व्यवस्था है वो पंडितों ने बनाई। जबकि अगर हम बात करें तो उनके बयान पर जो आरएसएस है, उन्होंने भी जो नेता है श्री अम्बेडकर, उन्होंने कहा है कि जो बयान है उनका, उन्होंने पंडित का अर्थ विद्वान से लगाया गया है, ना कि पंडित का अर्थ यहाँ पर ब्राह्मण को संबोधित किया गया है, कि पंडित केवल और केवल यहाँ पर एक ब्राह्मण शब्द की एक शुरुआत का व्यवस्था नहीं है, बल्कि एक ऐसा शब्द है जो कि ये बताता है कि पंडित का अर्थ विद्वान होता है। और कहीं ना कहीं उन्होंने विद्वान के लिए बात कही है, ये बात उन्होंने ब्राह्मण को लेकर नहीं कही, पर निश्चित रूप से चूंकि बयान दिया है, इस बयान को लगातार जो चर्चा है वो गर्म हो चुकी है। गौरव, चुनाव से पहले जाति को लेकर इस तरह बयान देना, तो क्या इसका मतलब कोई राजनीति सेट करना तो नहीं? देखिए, मोहन भागवत समय समय पर बयान देते रहते, कभी मुसलमानों को सलाह देते हैं डरने जरूर नहीं, कभी वो दिल्ली जाकर जामा मस्जिद के ग्राम सोएब इलियासी से मुलाकात करते हैं, उन मुलाकातों का भी तमाम अर्थ निकाले जाते हैं और तमाम उनके बयान है। तो जो विपक्ष है वो बोलता है कहीं ना कहीं आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत यहाँ मुसलमानों के लिए बेहतर सोच रखना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि आरएसएस मुसलमानों की विरोधी नहीं है, बीजेपी मुसलमानों की विरोधी नहीं है, और उनका बयानों का ये मतलब निकालना विपक्ष निकालता है। पर कहीं ना कहीं जो बयान होते हैं उनका कोई ना कोई अर्थ जरूर होता है। निश्चित रूप से यहाँ पर जो उनका बयान है उसके तमाम मायने हैं। अगर विपक्ष का है तो विपक्ष बोल रहा है कि उन्होंने पंडितों को लेकर ब्राह्मणों को लेकर ये बयान दिया है, उसके बाद उस बयान को पूरी गहनता समझेंगे तो उस बयान में उन्होंने कहा है कि जाति धर्म से हमको आगे बढ़ना है, जाति धर्म से हमको उठना है। जो जातियां लोगों ने बनाई हैं, कहीं ना कहीं जाति की हमको नहीं देखना है, बल्कि जातियों की शिष्टता से अलग हटकर रूप एक ही है और ऊंच नीच में हमको नहीं जाना है। जो योग्य है वो किसी भी जाति धर्म का हो सकता है, इसकी जरूरी नहीं है कि वो किसी भी जाति धर्म का हो तभी उसको योग्य माना जाए। तो कहीं कहीं उन्होंने ये इस बयान के माध्यम से स्पष्ट किया है कि हमको जाति धर्म से अलग हटकर एक ऊंच नीच के भाव से ना रटकर, उस भ्रम में ना पड़कर देश के लिए आगे काम करना है, किसी ने इस विचारधारा को अपने आप से अपने मन विचार से अलग रखना है। जी, धन्यवाद गौरव तमाम जानकारियों के लिए। मोहन भागवत ने जाति को लेकर बड़ा बयान दिया है, आरएसएस प्रमुख ने जाति व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। मोहन भागवत ने कहा कि भगवान ने जाति नहीं बनाई है, जाति पंडितों ने बनाई है, जो गलत है। आरएसएस प्रमुख ने सवाल उठाए हैं।
दिल्ली में आज लोकसभा और राज्यसभा की रणनीति तैयार करने के लिए विपक्ष की तरफ से बैठक बुलाई गई। संसद में विपक्षी दल की ये बैठक सुबह 9:30 से शुरू हुई। विपक्ष की तरफ से इस बैठक में कई मुद्दों को लेकर चर्चा की गई और अहम फैसले लिए गए। संसद सत्र शुरू होने से पहले विपक्षी दलों ने इस बैठक में संसद में उठाए जाने वाले मुद्दों को लेकर चर्चा की। बता दें कि विपक्ष अडानी ग्रुप मामले की JPC मांग पर अड़ा हुआ है। इस खबर पर हमारे संवाददाता विवांशु से जुड़ेंगे। विवांशु, दिल्ली में आज लोकसभा और राज्यसभा की रणनीति तैयार करने के लिए विपक्ष की तरफ से ये बैठक बुलाई गई, ये बैठक जो हुई इसमें क्या मेन मकसद था बैठक का? जी मयूरी, आपको बता दें कि आज देश की राजधानी दिल्ली के अंदर में सर्वदलीय विपक्ष की बैठक रखी गई। इस बैठक में अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में रखी गई। इसमें विभिन्न दलों के तमाम नेता इसमें शिरकत किए। बात करें तो DMK, शिवसेना, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी समेत विभिन्न पार्टियों के नेता आज कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के समक्ष बैठकर और किस रणनीति के तहत हम सत्ता पक्ष यानी कि यस लॉबी को घेरेंगे इस पर बात की गई, इस पर चर्चा की गई। साफ अगर तौर से देखें तो इससे साफ है कि जो संसद सत्र चल रहा है इसमें पक्ष सरकार को यानी सरकार को कैसे घेरे, और साथ ही अभी अगर बात की जाए तो आपने हाल फिलहाल में देखा कि अडानी समूह का लगातार हिडेनबर्ग जब से ये रिपोर्ट आई है उसके बाद लगातार उनके शेयरों में गिरावट आ रहा है, और इसको लेकर कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो लगातार आरोप लगा रहा है कि केंद्र सरकार कहीं ना कहीं अडानी समूह को फायदा पहुंचा रही है एकाधिकार के तहत यानी कि मोनोपोली के तहत। अब साथ ही उन्होंने जब इस देखा जाए तो जब वो देश के मशहूर उद्योगपतियों में से अगर देखें तो सेकंड पावधान पे चले गए थे, उसके ठीक बाद अभी अगर बात करें तो 22वें पे हैं इस मामले को लेकर और इस रिपोर्ट के बाद। यानी कि बात की जाए तो रिपोर्ट के बाद विपक्ष की मांग है कि इसकी JPC जाँच कराई जाए जिस पूरी पारदर्शिता के साथ कि कैसे आखिर इतनी जल्दी महज कुछ ही समय के अंदर इतना इजाफा हो गया, और साथ ही कैसे जो केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लग रहे हैं वो भी साफ हो सके। साथ ही आपको बता दें कि इस प्रदर्शन को अगर देखा जाए तो आज प्रदेश भर के अंदर में देशव्यापी प्रदर्शन के तौर पे ये देखने को मिला। अगर हमने कई जगह प्रदर्शन देखा, वही लखनऊ में भी प्रदर्शन हो रहा था, कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, तो इसका मेन मकसद क्या था और क्या कुछ निष्कर्ष निकला, क्योंकि प्राइम टीवी ने भी इसको प्रमुखता से दिखाया। जी बिल्कुल, आपने सही कहा मयूरी कि इसको साफ तौर से अगर देखें तो आप प्रदर्शन को लगातार देख रही थी, उसमें साफ तौर से जो प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे हैं उनकी अगुवाई में सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता आज बेगम हजरत महल पार्क से और LIC बिल्डिंग पदयात्रा कर रहे थे, मगर उन्हें परिवर्तन पर बैरिकेटिंग करके रोक दिया गया, और वहीं वो पुलिस के आला अधिकारियों को ज्ञापन देकर और पूरे मामले की यानी कि जो अभी हिडेनबर्ग की रिपोर्ट आई है तो इसमें पूरी पारदर्शिता के साथ इस मामले की जांच की जाए, और वहां पे भी उस ज्ञापन में लिखा था कि JPC जांच की जाए जिससे ये साफ हो सके कि इस मामले में क्या सही और क्या गलत है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जहां एक तरफ आज राजधानी दिल्ली में विपक्ष के नेता, वहीं अगर बात करें तो प्रदेश की राजधानी में कांग्रेस के नेता प्रदर्शन कर रहे हैं, अब क्या इस पे JPC जांच की जाती है, और जांच की जाती है तो जांच के बाद क्या निकल के आता है वो देखने वाली बात होगी। जी धन्यवाद विवांशु तमाम जानकारियों के लिए। हिडेनबर्ग के खुलासे के बाद एक तरफ अडानी समूह के शेयर धड़ाम हो गए हैं, तो वहीं अब अडानी ग्रुप को उत्तर प्रदेश सरकार ने भी झटका दिया है। अडानी ट्रांसमिशन GMR व इन टेली स्मार्ट कंपनी को मिलने वाला प्रीपेड स्मार्ट मीटर का टेंडर निरस्त कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में 2.5 करोड़ प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने के टेंडर की लागत 25,000 करोड़ थी, जो मध्यांचल विद्युत वितरण निगम ने टेंडर कैंसिल कर दिया है।
इस खबर पर हमारी संवाददाता सुहानी हमसे जुड़ेंगी। सुहानी, अडानी ग्रुप को उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा झटका दिया है, प्रीपेड स्मार्ट मीटर के टेंडर निरस्त कर दिए गए हैं। हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को बताएं कि आखिर ये टेंडर क्यों निरस्त किया गया है। जी, मेरे आपको बता दें कि अमेरिका के शॉर्ट सेलिंग फॉर्म में एक हिडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद ये पूरा जो मामला है, अमेरिका जब उनका रिपोर्ट आया तो अडानी ग्रुप जो 100 अरब डॉलर जो नीचे आ चुका है, वही जो चेयरमैन अडानी हैं उनका भी जो नेटवर्थ है वो भी 21वें स्थान पर आ गया है। जो कि दूसरे ने बता दी, जो पूरा मामला उत्तर प्रदेश में उन्होंने बिजली कंपनियाँ जो है 23% बिजली बढ़ाने का जो आदेश दिया था उसे लेकर नियामक आयोग, वही जो नियामक आयोग के जो परिषद है उन्होंने भी इस पे नाराजगी जताई थी कि जो इतना जो अचानक 23% बिजली बढ़ाने का जो मांग किया जा रहा है वो पूरी तरह से गलत है। और इसी सब को लेकर वो लगातार इस पे जो केस भी दर्ज किए थे और योगी आदित्यनाथ से अपील भी कर रहे थे कि जो हमारी उपभोक्ता है उन पे ज़्यादा ये प्रभाव पड़ेगा। इन सभी को देखते हुए जो है उत्तर प्रदेश के सरकार, जो उनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो 23% बिजली बढ़ाने का जो मांग किया गया था कहीं ना कहीं जो उपभोक्ताओं के लिए, आम जनता के लिए बहुत भारी पड़ेगा और आम जनता भी इसे परेशान थी, उसको देखते हुए जो जो थे नियामक आयोग के जो फाइनेंस अशोक कुमार ने अडानी समूह का जो टेंडर है वो निरस्त कर दिया। उनका यही कहना है कि जो तकनीकी कारणों से टेंडर निरस्त होना बताया गया है और टेंडर निरस्त होने के राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद सही बताया। उन्होंने कहा कि हमारे उपभोक्ताओं पर ये बहुत भारी पड़ जाएगा और इसीलिए हमने ये टेंडर निरस्त किया। तो कहीं ना कहीं अडानी ग्रुप का इस टाइम बहुत ही एक बहुत ही बुरा वक्त चल रहा है, क्योंकि वो लगातार उनका हर टेंडर निरस्त हो रहा है, चाहे वो उत्तर प्रदेश का चाहे वो मध्य प्रदेश में, ऐसे कई टेंडर है जो निरस्त कर दिया गया है। तो ये जो टेंडर है कहीं ना कहीं हमारे जो उपभोक्ताओं का और आम जनता को हानि, बहुत ज़्यादा उनके लिए हानि था, इसलिए ये टेंडर को निरस्त कर दिया गया है। सुहानी, अगर हम देखें तो प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का एक ही मकसद था, बिजली चोरी को रोकना, तो अब टेंडर निरस्त कर दिया गया है, आगे की क्या कुछ रणनीति अब होगी? जी, मैं भी आपको बता दें जो कि प्रीपेड स्मार्ट मीटर का जो टेंडर निरस्त कर दिया गया, उत्तर प्रदेश में 2.5 करोड़ प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का टेंडर, लागत 25,000 करोड़ थी और मध्यांचल विद्युत वितरण नियम टेंडर कैंसिल कर दिया है। साथ ही जो मध्यांचल विद्युत निगम था वो 54 करोड़ का टेंडर था और इसलिए ये जो कहा जा रहा था कि जो ये टेंडर था प्रीपेड स्मार्ट मीटर जो कि लगने से जो चोरी होना बचेगा, तो ये कहीं ना कहीं सही था, लेकिन ये जो था कि 23% बिजली बढ़ाने का था तो कहीं ना कहीं इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ये महंगा पड़ रहा था। तो इसलिए जो सरकार है, जो योगी सरकार ने भी इस पे कहा है कि हम इतना महंगा बिजली जो है वो नहीं, प्रीपेड मीटर नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि जो हमारे उपभोक्ता हैं, जो हमारे आम जनता है, उन पे भारी पड़ सकता है और इसलिए हम इस टेंडर को निरस्त कर रहे हैं। तो वही जो नियामक आयोग के जो परिषद हैं और जो अवधेश कुमार वर्मा, उन्होंने उस पर आभार जताया, उन्होंने कहा कि आम जनता और जो उपभोक्ता हैं उनकी बातों के जो योगी सरकार सुने और इसे निरस्त कर दी, तो उन्होंने इस पे आभार भी जताया। तो ऐसी तमाम जो प्रतिक्रियाएं हैं जो नगर उन्होंने भी दिया और उनका साथ भी यही कहना है अवधेश कुमार वर्मा की, हमारी जो जनता है वो इस उनके आदेश से बहुत ही खुश है, क्योंकि इतना 23% जो बिजली है वो कहीं ना कहीं जो आम जनता और जो उपभोक्ता है उनके लिए भारी पड़ सकता है, इसलिए ये टेंडर को निरस्त कर दिया गया। जी, धन्यवाद सुहानी तमाम जानकारियों के लिए। प्रदेश सरकार लोकसभा चुनाव से पहले गर्भवती महिलाओं को सहूलियत देने की बड़ी सौगात देने जा रही है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में अल्ट्रासाउंड व अन्य जांच सुविधा उपलब्ध न होने पर उन्हें प्राइवेट जांच केंद्रों पर मुफ्त जांच की सुविधा मिलेगी। इसके लिए गर्भवती महिला को ई वाउचर दिया जाएगा। गर्भवती महिलाओं के जाँच का खर्च सरकार उठाएगी।
इस खबर पर हमारे संवाददाता विवेक हमसे जुड़ेंगे। विवेक, प्रदेश सरकार लोकसभा चुनाव से पहले गर्भवती महिलाओं को सौगात देने जा रही है, क्या कुछ सुविधाएं दी जाएंगी? देखिए, मेरे उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर अपना फोकस बना के चल रही है और इसे लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की गर्भवती महिलाओं को एक बड़ी सौगात के रूप में इस चीज़ को देखा जा रहा है कि जितने भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी CHC है, अगर वहां पे अल्ट्रासाउंड या जांच की सुविधा नहीं उपलब्ध हो पाती है तो इन गर्भवती महिलाओं को एक ई वाउचर दिया जाएगा ताकि वो निजी डायग्नोस्टिक सेंटर या निजी अस्पतालों में जाके अल्ट्रासाउंड जो है वो करा सकती है। मैं आपको बता दूँ कि उत्तर प्रदेश में कुल 873 CHC है, करीब हर माह 5 लाख महिलाएं जो है वो प्रसव संबंधी जांच कराने भी जाती है और ज़्यादातर केंद्रों पर क्या होता है कि अल्ट्रासाउंड मशीनें उपलब्ध नहीं होती हैं या फिर टेक्नीशियन का अभाव होता है या फिर मशीनें खराब होती हैं और इस तरह की चीज़ें लगी रहती हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में। तो ऐसी स्थिति में उसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में मोबाइल नंबर को पंजीकृत कराया जाएगा, उस पर बाकायदा रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा और इन महिलाओं को ई वाउचर दिया जाएगा ताकि इस तरह की असुविधा होने पर उन्हें निजी डायग्नोस्टिक सेंटर और जो निजी अस्पताल है उनसे वो अपना डायग्नोसिस या फिर जो अल्ट्रासाउंड संबंधी जांचें जो हैं वो करवा सके। मयूरी विवेक, जो गर्भवती महिलाओं को ये तमाम सुविधा दी जाएगी इसके लिए क्या कुछ पूरी रणनीति बनाई गई है और क्या कुछ बजट जारी हुआ है? देखिए, इसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने तय किया है कि कुछ निजी अस्पतालों और कुछ डायग्नोस्टिक सेंटर जो है वो CHC से सीधे रूप से जोड़े जाएंगे ताकि ऐसी असुविधा होने पर जो है सीधे तरीके से जो गर्भवती महिलाएं हैं उनकी जांच में कोई दुविधा ना उत्पन्न हो, वो सीधे निजी स्वास्थ्य केंद्रों पर जाकर अस्पतालों में जाकर या डायग्नोस्टिक सेंटर में जाकर वो अपना इलाज या फिर जो अपना जांच है अल्ट्रासाउंड की जांच है ये सब वो करवा सके। इसके लिए बाकायदा डायग्नोस्टिक सेंटर और निजी अस्पतालों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों से जोड़ा जाएगा। उत्तर प्रदेश में कुल 873 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है और सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में क्या रिपोर्ट है वहाँ पर अल्ट्रासाउंड मशीनों की, रेडियोलॉजिस्ट है या नहीं, इन सारी चीज़ों का एक डेटा पहले इकट्ठा कर लिया जाएगा। उसके बाद जो है इन निजी अस्पतालों और संस्थाओं को जहाँ पे ये चीज़ें नहीं अवेलेबल होंगी वहाँ उनसे जोड़ा जाएगा। उसके बाद जांच का जो सारा जिम्मा होगा, जो खर्चा होगा, वो उत्तर प्रदेश की सरकार उठाएगी और इसके तहत जो मोबाइलों पर जो ई वाउचर मिलेंगे ये काफ़ी उपयोगी होगा। इस ई वाउचर को दिखा कर ही गर्भवती महिलाएं अपना अल्ट्रासाउंड और बाकी अन्य जाँचें निजी अस्पतालों या डायग्नोस्टिक सेंटर से करा सकती है। मयूरी विवेक, ये जो ई वाउचर की बात कही जा रही है ये कहाँ से मिलेगा, क्या कुछ इसका पूरा प्रोसेस होगा? देखिए, मेरे ये ई वाउचर जो है वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पे जब पंजीकरण कराया जाता है मरीज का, गर्भवती महिलाएं जब अपना पंजीकरण कराएंगी, मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन कराएंगी तो मोबाइल नंबर पे ही एक ई वाउचर उनको मिलेगा। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि निजी डायग्नोस्टिक सेंटर पर एक बार के अल्ट्रासाउंड में कम से कम 1000 से 1500 रुपये के खर्चे आते हैं और 4 से 5 बार अगर जाँच करानी पड़ती है गर्भवती महिलाओं को, हर दूसरे महीने जाके जाँच करानी पड़ती है, अल्ट्रासाउंड कराना पड़ता है, तो ये खर्चा तकरीबन जो है 6-7 हज़ार रुपये तक हो सकता है। ऐसे में सरकार ने इस खर्चे का जिम्मा उठाया है, इससे जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके तकरीबन 6-7 हज़ार रुपये की बचत होगी और सरकार ये जिम्मा उठाएगी। ई वाउचर की अगर बात की जाए तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से ई वाउचर मिलेगा, मोबाइल नंबर OTP आएगी, बाकायदा वेरिफिकेशन होगा और ई वाउचर को दिखाने के बाद भी अल्ट्रासाउंड संबंधी जो जांचें होंगी वो हो पाएंगी। मयूरी विवेक जी, ये जो गर्भवती महिलाओं को तमाम सुविधा देने की बात की जा रही है ये अस्पतालों में कब से लागू होगी? जी, फिलहाल अभी डेटा इकट्ठा किया जा रहा है कि प्रदेश में जो 873 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उनमें से कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में अल्ट्रासाउंड की मशीनें नहीं हैं। अगर मशीनें हैं तो क्या वहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट है, टेक्नीशियन है जो अल्ट्रासाउंड करता हो? ऐसी स्थिति में सारा डेटा इकट्ठा करने के बाद जहाँ जहाँ पे ये सुविधा उपलब्ध नहीं है CHC में, वहाँ वहाँ पर निजी स्वास्थ्य केंद्रों जैसे अस्पतालों और डायग्नोस्टिक सेंटर को संबद्ध किया जाएगा, जोड़ा जाएगा और बहुत जल्दी ही ये सुविधा जो है उत्तर प्रदेश में गर्भवती महिलाओं को मिलना भी शुरू हो जाएंगे। मयूरी जी, धन्यवाद विवेक तमाम जानकारियों के लिए। चार बजे की चार बड़ी खबर में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी,
सच साहस सरोकार।